हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल किचन ट्रिक जो कि आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। हर घर में बर्तन तो आते ही है, और ये है स्टेनलेस स्टील के बर्तन से आप लोग जो है किस तरह से ये स्टिकर्स निकाल सकते हो। मार्केट से जब आप बर्तन लेके आते हो तो स्टिकर्स लगे होते हैं, निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे कैंडल को जलाया है और कढ़ाई के ऑपोजिट साइड में, मतलब जहाँ पे स्टिकर लगा है वहाँ नहीं, उसके ऑपोजिट साइड निचली साइड पर जो है मैंने कैंडल को हल्का सा कढ़ाई को इसके ऊपर रखा, मतलब गरम कर लिया उस स्टिकर को। इससे क्या होता है, इजीली जो ये स्टिकर है रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हो, ये देखिए कितना इजीली जो है ये स्टिकर निकल के आ गया बाहर। और ये छोटा सा दूसरा स्टिकर है, इसको मैं दोबारा इस तरह से कैंडल के ऊपर रखूंगी, इसके ऑपोजिट साइड में हल्का सा इसमें जो है सेक लगा लूँगी, गर्म कर लूँगी हल्का सा। पर ध्यान रखें आप उंगली वगैरह ना जलाए। आप चाहो तो गैस का यूज़ कर सकते हो, गैस पर भी आप ऐसे रख के कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही इजीली जो है इस ट्रिक से ये स्टिकर जो है, लेबल स्टिकर जो भी है, रिमूव हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत रेजिड्यू जो ये थोड़ा बहुत ये मोम हल्का सा जो है रह जाता है, ये इजीली जो है अगर आप वॉश करो, विम से करते हो या फिर कोई भी डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हो तो इजीली निकल जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से इसके साइड पर भी, इस कढ़ाई के साइड पर भी जो है स्टिकर लगा हुआ है, वो भी मैं ये देखिए स्टिकर्स में निकाल चुकी हूँ। और साइड पे जो स्टिकर लगा है वो भी मैं इसी तरह से जो है निकाल लूँगी। इसके लिए मैं इसी तरह से इस स्टिकर के ऑपोजिट में जो है मैं हल्का सा जो है गरम कर लूँगी। तो ये देखिए साइड में लगा हुआ है स्टिकर, अंदर की साइड को मैं जो हल्का सा गरम कर लूँगी, मतलब इसके ऑपोजिट साइड में, और इसी तरह से इस स्टिकर को भी निकाल लूँगी। तो आप ये ज़रूर अपने किचन में ये ट्रिक जो है आजमाइए, गृहिणियों के लिए बहुत ही यूज़फुल ये ट्रिक है। ये देखिए बहुत इजीली निकल जाता है। और ये हल्का सा जो ये थोड़ा सा बच जाता है थोड़ा सा, ये जो है इजीली बहुत ही आसानी से जो है जब आप स्टील वूल या फिर जिससे भी आप बर्तन धोते हो तो निकल जाता है। इसके बाद जो है हल्का सा आप देख रहे हो कि कालस सी लग जाती है कैंडल से, तो आप जो है कोई भी अखबार का या फिर कागज़ या फिर कोई टिश्यू पेपर है आपके पास टिश्यू, तो उसे रिमूव हो जाएगा, या फिर आप वॉश कर लीजिए तो उसे इजीली ये चला जाता है। मैंने जो है टिश्यू से इसको साफ कर लिया, उसके बाद मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है विम से, लिक्विड विम बार से। तो ये देखिए कढ़ाई से बिल्कुल जो है स्टिकर भी हट चुका है, और उसका जो थोड़ा बहुत वो रेजिड्यू बच जाता है, थोड़ा बहुत मोम हल्का हल्का जो है चिपचिपापन जो लास्ट में बच जाता है वो भी निकल गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।